नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके JVVNS टेक्निकल हेल्पर के रिजल्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके JVVNL टेक्निकल हेल्पर का रिज़ल्ट जारी हो चुका है, लेकिन दोस्तों उसी पर हाल ही में फ़िलहाल एक न्यू अपडेट आ रही है कि रिज़ल्ट को लेकर कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पहले चरण के प्रोग्राम पर विवाद शुरू। प्रदेश के सरकारी बिजली वितरण कंपनियों में 1512 पदों पर हो रही टेक्निकल हेल्पर भर्ती के पहले चरण की परीक्षा के परिणाम पर विवाद हो गया है। असफल रहे अभ्यर्थियों ने परीक्षा के केंद्रों पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है तथा उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि कई अभ्यर्थियों के 95 से ज़्यादा अंक आए हैं। समान अंक होने पर कई अभ्यर्थियों को सफल व असफल घोषित किया है। ऐसे में परीक्षा व प्रोग्राम में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की है, लेकिन वहां से अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं हुए हैं उन सभी ने यहाँ पर विरोध शुरू कर दिया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा या फिर गड़बड़ी हुई है। अब दोस्तों, वो चाह रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो दोबारा डिक्लेयर हो, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि रिज़ल्ट आपका दोबारा आएगा या फिर नहीं। जैसे ही कोई और अपडेट आती है रिज़ल्ट के बारे में, हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद।